इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक विश्व स्तरीय हबीबगंज स्टेशन देश का पहला एयरपोर्ट की सुविधा वाला स्टेशन होगा। इस स्टेशन का लगभग 98% काम खत्म हो गया है। यह स्टेशन दिसंबर 2020 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इंडियन रेलवे का पहला एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला स्टेशन लगभग तैयार हो गया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क काफी तेजी से चल रहा है। इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि PPP मॉडल के तहत किया जा रहा है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक विश्व स्तरीय हबीबगंज स्टेशन का 97.95% सिविल वर्क खत्म हो चुका है। यह स्टेशन दिसंबर 2020 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बताया है कि इस परियोजना को दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेशन पूरी तरह से रीडेवलप होने के बाद एंट्रेंस पर बनाए जाने वाले शीशे के ढांचे का काम शुरू हो गया है। विकास कार्य पूरा होने पर स्टेशन में कॉन्कोर्स होगा जिसमें एयरपोर्ट की तरह दुकान और कैफेटेरिया होंगे। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए एक वेटिंग लॉन्च भी होगा जिसमें मॉडर्न टॉयलेट होंगे। यही नहीं, स्टेशन में एक म्यूजियम और गेमिंग जोन भी होगा। विकास कार्य पूरा होने के बाद हबीबगंज स्टेशन में 900 यात्री एयर कंडीशन में बैठ सकेंगे। इसके अलावा 1500 यात्री एक साथ एक अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकेंगे। स्टेशन में ऐसे दो सबवे बनाए गए हैं जिसमें एक साथ प्लेटफॉर्म पर 2000 यात्री ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। वहीं 36 मीटर ऊंची बिल्डिंग में 2500 से अधिक यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी बनाई गई है। स्टेशन में एक ग्रीन बिल्डिंग भी होगी, यानी इस इमारत में ऊर्जा की कम खपत करने वाले LED लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बंसल ग्रुप भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जर्मनी के हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तरह ही तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम भी दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन ऐसा पहला स्टेशन होगा जहां रेलवे ट्रैक के ऊपर 5-स्टार होटल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस होटल को लीला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाएगा। अगर आप ये न्यूज़ फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।